मौसम के बदलते मिजाज की वजह से बीमारियां भी अब पांव पसार रही हैं। फरीदाबाद के अस्पतालों में पहले की अपेक्षा मरीजों की संख्या काफी वृद्धि दर्ज की गई है। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एम्स प्रांत की ओपीडी का है, जहां मरीज इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 2-3 दिन में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मरीजों की बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर योगेंद्र सरदारा ने कहा कि मौसम में बदलाव को लेकर बड़ी संख्या में मरीजों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन दिनों अधिकांश मरीज वायरल से पीड़ित हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए घरों में कूलर का पानी बदलने, गमलों की सफाई और मच्छरों के बचाव के भी इंतजाम बेहद जरूरी हैं। मरीज बहुत ज़्यादा तो फीवर के वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा है और स्किन के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी कम से कम 20% बढ़ चुकी है हम उससे सीजन चेंज होने से। तो अभी हम लोगों को ये सलाह देने के भी, तो फ्रिज का जो चीज़ें ठंडी चीज़ें उनको खाने से बचें, बाहर का खाने से बचें और योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें तो बहुत बड़ी उसमें हेल्प मिलती है, अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करने में। पहले ओपीडी और अब ओपीडी में कितना फ़र्क देखने को? बहुत फ़र्क है, पेशेंट डिफरेंट हो गए। जैसे पिछले फीवर नहीं था, अब फीवर वायरल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर पनपने से मलेरिया टाइफाइड ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो आज ओपीडी की बात की तो कितने मरीज आपके पास आए? मैंने 115 पेशेंट देखे सुबह से अभी तक। अच्छा। और आम दिन में करीब 80-85 इतने पेशेंट आते हैं। तो ज़्यादातर उल्टी दस्त? उल्टी दस्त के कम आ रहे हैं, लेकिन वायरल के ज़्यादा आ रहे, फीवर के ज़्यादा। हाँ जी हाँ। क्या कारण है फैलना? कारण ये है कि मौसम बदलते मौसम में हम थोड़ा सावधानी रखना भूल जाते हैं। जैसे गर्मी में आए बहुत ज़्यादा बाहर इम्यूनिटी होती है और आके हम ठंडा पानी पी लिया, गला खराब होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, फीवर होगा। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।